आज की इस वीडियो में हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करा चुका हूँ एंड एक्सरसाइज 5.2 के ऊपर दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक्स मिल जाएगा, उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, देखिए, व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18, ... इज 78। मतलब ये जो एपी सीरीज दे रखा है, इस एपी सीरीज का कितना नंबर टर्म में 78 आएगा हमें यहां पर निकालना है। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिए फास्ट टर्म इज डिवाइडेड बाय ए, और यहां पर देखिए फास्ट टर्म कितना दे रखा है, देखिए 3, तो यहां पर हम लोग 3 लिख लेंगे। नेक्स्ट, कॉमन डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय डी, और डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी का वैल्यू निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 8 - 3 करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अभी हम लोगों को क्या निकलना है, देखिए हम लोगों को यहां पर निकलना है 78 इस एपी सीरीज का कितना नंबर टर्म में आएगा। तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट एनथ टर्म, इस एपी सीरीज का एनथ टर्म हम लोग मान लेते हैं 78। तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं लेट एनथ टर्म इज इक्वल टू 78। अब देखिए फ्रेंड्स, एपी सीरीज का एनथ टर्म किस फॉर्म में होता है, एपी सीरीज का एनथ टर्म का फॉर्मूला होता है आपका a + n - 1 × d इज इक्वल टू 78। अभी हम लोग यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो यहां पर ए का वैल्यू कितना मिला है, 3, तो यहां पर हम लोग 3 पुट कर लेंगे, प्लस एन, तो एन तो हमें निकालना है, तो n - 1 × d, डी का वैल्यू कितना है, देखिए 5, तो × 5 इज इक्वल टू 78। This is equal to n - 1 × 5 is equal to 78, और 3 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -3। सो दिस इंप्लाइज n - 1 × 5, यहां पर देखिए 78 - 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 75। दिस इंप्लाइज n - 1 = तो 5 से ये डिवाइड करेंगे तो 75/5 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज n - 1 = 5 से ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। So this implies n = 15, 1 राइट साइड में जाएगा तो ये जो होगा आपका +1, तो फाइनली n का वैल्यू आ गया 16। दैट मींस इस एपी सीरीज का 16th टर्म हो जाएगा आपका 78। देयरफॉर हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, देयरफॉर 16th टर्म इज इक्वल टू 78। मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, और यहां पर 5 में दो क्वेश्चन दे रखा है, Roman 1 और Roman 2। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहां पर देखिए एक एपी सीरीज दे रखा है, इस एपी सीरीज में कितना नंबर ऑफ टर्म्स से हमें यहां पर निकालना है, दोनों में Roman 1 और Roman 2 में दो एपी सीरीज दे रखा है, इन दो एपी सीरीज में कितना नंबर ऑफ टर्म्स से हमें यहां पर निकालना है। चलिए यहां पर हम लोग Roman 1 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहां पर देखिए फास्ट टर्म कितना है, देखिए 7, तो फास्ट टर्म 7 हम लोग यहां पर लिख लेंगे। तो यहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं फास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, और ए का वैल्यू यहां पर 7 दे रखा है। नेक्स्ट, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी, एंड डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म मतलब 13 माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 7, और 13 - 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। देखिए अभी हम लोगों को यहां पर निकालना है, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स मतलब हमें यहां पर एन का वैल्यू निकालना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 205 ये इस सीरीज एपी सीरीज का लास्ट टर्म है, तो यहां पर हम लोग ये मान लेंगे, ये जो 205 इस एपी सीरीज का एनथ टर्म हम लोग यहां पर मान लेंगे। सो लेट एनथ टर्म इज इक्वल टू 205। अब देखिए फ्रेंड्स, एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एनथ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका a + n - 1 × d इज इक्वल टू 205। अभी हम लोग यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहां पर a का वैल्यू कितना मिला है, 7, तो 7 पुट कर लिया, प्लस n तो हमें यहां पर निकालना है, तो n - 1 × d का वैल्यू कितना मिला है, 6,
is equal to 205. This implies n minus 1 into 6 is equal to 205. और ये 7 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये 7 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 7. नेक्स्ट के यहां पर दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इंटू 6, यहां पर 205 माइनस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 198. दिस इंप्लाइज n माइनस 1, तो 6 राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड होकर जाएगा तो 198/6. दिस इंप्लाइज n माइनस 1, ये 6 से ये काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33. तो यहां पर n माइनस 1 इक्वल टू 33 मिल गया. हमें यहां पर n निकालना है तो n इज इक्वल टू 33, 1 राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा और 33 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 34. दैट मींस इस एपी सीरीज का कितना टर्म है, इस एपी सीरीज में यहां पर 34 टर्म्स है. सो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34. तो ये हो गया आपका रोमन वन का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा. चलिए यहां पर रोमन टू का सॉल्यूशन शुरू करते हैं. रोमन टू में देखिए, रोमन टू में हमें यहां पर सेम यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है. यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, देखिए फर्स्ट टर्म दे रखा है आपका 18. सो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए और ए का वैल्यू दे रखा है 18. नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाई डी, और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बन गए. सो सेकंड टर्म देखिए 15/2 माइनस फर्स्ट टर्म 18. सो दिस इज इक्वल टू यहां पर 2 इंटू 15 30 प्लस 1 तो ये हो जाएगा आपका 31/2 माइनस 18. सो दिस इंप्लाइज 2 एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हो गया तो यहां पर हो जाएगा आपका 31 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 18 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36, और 31 माइनस 13 करेंगे 36 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5/2. तो यहां पर हम लोगों को कॉमन डिफरेंस मिल गया -5/2. अभी हम लोग यहां पर सेम एज्यूम करेंगे, लेट यहां पर -47 को हम लोग मान लेंगे nth टर्म. सो लेट nth टर्म इज इक्वल टू -47. दिस इंप्लाइज अब देखिए फ्रेंड्स, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47. दिस इंप्लाइज a का वैल्यू कितना है, देखिए a का वैल्यू यहां पर हम लोगों को मिला है 18, तो यहां पर हम लोग पुट कर लेंगे 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना मिला है -5/2. सो इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47. दिस इंप्लाइज यहां पर देखिए n माइनस 1 इंटू -5/2 इज इक्वल टू -47, और ये 18 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -18. सो दिस इंप्लाइज यहां पर हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू -5/2 यहां पर -47 -18 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 देन 65. तो यहां पर हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करके यहां पर n का वैल्यू निकालना है. अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13. तो यहां पर हम लोगों के पास रह गया है देखिए n माइनस वन इंटू यहां पर देखिए हाफ रह गया है इज इक्वल टू 13. तो यहां पर सिमिलर करेंगे तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26. दिस इंप्लाइज n इक्वल टू 26, 1 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1, और फाइनली यहां पर वैल्यू आ गया आपका n का वैल्यू 27. दैट मींस इस एपी सीरीज में कितना टर्म्स है, इस एपी सीरीज में टोटल 27 टर्म्स है. तो यहां पर हम लोग फाइनली लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 27. तो ये हो गया आपका रोमन टू का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा. चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं. तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो यहां पर क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए यहां पर इसमें क्या बोल रहा है, देखिए चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11.8.5.2. तो यहां पर देखिए एक एपी सीरीज दे रखा है, हमें यहां पर यह चेक करना है इस एपी सीरीज में -150 आएगा या नहीं. तो कैसे चेक करेंगे, चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं. तो यहां पर देखिए पहले तो हम लोग यहां पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. सो फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए और ए का वैल्यू कितना दे रखा है देखिए 11. नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे 8 माइनस 11 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3. अब देखिए हमें यहां पर ये चेक करना है ये माइनस 150 इस एपी सीरीज में आएगा या नहीं. तो हम लोग ये मान लेते हैं ये माइनस 150 इस एपी सीरीज का nth टर्म. सो इस एपी सीरीज का nth टर्म हम लोग मान लेते हैं माइनस 150. उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं let nth term is equal to minus 150. आप देखिए फ्रेंड्स nth term निकलने के लिए फॉर्मूला क्या होता है a plus n minus 1 into d is equal to minus 150. This implies a का वैल्यू कितना दे रखा है देखिए 11. सो 11 प्लस n minus 1 into d का वैल्यू कितना है minus 3 is equal to minus 150. आप देखिए फ्रेंड्स यहां पर this implies n minus 1 into minus 3 is equal to 11 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका minus 150 minus 11. This implies n minus 1 into minus 3 और यहां पर minus 150 minus 11 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका minus 161. तो यहां पर देखिए minus minus cancel हो जाएगा तो this implies n minus 1 is equal to 161 by 3. So this implies n is equal to क्या हो जाएगा देखिए 161 by 3 और 1 right side में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका plus 1. So this implies यहाँ पर 3 LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 161 plus 3. This is equal to 161 plus 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 164 by 3. आप देखिए 3 से इसी नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो ये एक फ्रैक्शन आ जाएगा और n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता. दैट मींस इस एपी सीरीज में इस एपी सीरीज का माइनस 150 इस एपी सीरीज का एक टर्म नहीं है क्योंकि यहां पर n का वैल्यू फ्रैक्शन आ रहा है. देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया था इस एपी सीरीज में 150 माइनस 150 आएगा या नहीं हमें चेक करना है. हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने ये माना था इस एपी सीरीज का nth टर्म में माइनस 150 आएगा. अभी हम लोगों को सिंप्लीफाई करके जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो n का वैल्यू यहां पर फ्रैक्शन आ रहा है और नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू तो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता. दैट मींस यहां पर माइनस 150 इस एपी सीरीज का एक टर्म नहीं होगा. सो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस n इज ए फ्रैक्शन सो माइनस 150 इज not a term of the given AP. और ये इसका complete solution हो गया और मेरे ख्याल से इसका solution भी आप लोगों को समझ में आया होगा. चलिए next question number 7 को solve करते हैं. Question number 7 में बोल रहा है देखिए find the 31st term of an AP. मतलब किसी एक AP series का 31st term हमें यहाँ पर निकालना है. क्या दे रखा है देखिए whose 11th term is 38. मतलब उस particular AP series का 11th term दे रखा है 38 and the 16th term is equal to 73 and 16th term दे रखा है 73. तो हमें निकालना है 31st term. चलिए solution शुरू करते हैं. तो पहले तो हम लोग यहाँ पर assume करेंगे let first term is equal to a common difference is equal to d. अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर क्या दे रखा है, देखिए हमें दे रखा है यहां पर 11th term is equal to 38. तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 11th term is equal to 38. अभी देखिए 11th term का फॉर्म क्या होता है, 11th term का फॉर्म होता है आपका a plus 10d और a plus 10d का वैल्यू कितना है देखिए 38. तो इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देंगे रोमन 1. नेक्स्ट देखिए 16th term इज इक्वल टू कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 73. सो दिस इंप्लाइज 16th term किस फॉर्म में होता है a plus 15d और a plus 15d का वैल्यू दे रखा है 73. तो इस इक्वेशन को हम लोग रोमन 2 नाम दे देते हैं. अभी हम लोग यहां पर इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d निकालेंगे. उसके बाद हम लोग आराम से यहां पर 31st टर्म बोल पाएंगे.
तो यहां पर देखिए हम लोग इस दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम लोग रोमन टू माइनस रोमन वन करेंगे तो ए ए कैंसिल हो जाएगा, डी का वैल्यू हम लोगों को आराम से मिल जाएगा। सो रोमन टू माइनस रोमन वन इंप्लाइज, तो रोमन टू में दे रखा है देखिए ए प्लस 15D, लेफ्ट साइड में ए प्लस 15D है, माइनस रोमन वन का लेफ्ट साइड में है आपका ए प्लस 10D इज इक्वल टू रोमन टू का राइट साइड में है 73, माइनस रोमन वन का राइट साइड में है आपका 38। तो यहां पर देखिए जब ब्रैकेट विड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस 15D माइनस ए, प्लस और माइनस मिलकर यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 10D इज इक्वल टू 73 माइनस 38 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। दिस इंप्लाइज यहां पर देखिए ए ए कैंसिल हो गया, 15D माइनस 10D, सो 15D माइनस 10D ये हो जाएगा आपका 5D, 5D इज इक्वल टू 35। दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू 35/5 से ये कैंसिल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। तो फाइनली यहां पर डी का वैल्यू आ गया 7। अभी हम लोग इस डी का वैल्यू इक्वेशन वन या इक्वेशन टू में भी आप पुट कर सकते हैं। तो डी का वैल्यू मान लीजिए हम लोग यहां पर इक्वेशन वन में पुट करेंगे, तो यहां पर इक्वेशन वन में मैं पुट करके सॉल्व करता हूं। सो इक्वेशन वन इंप्लाइज ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38। सो दिस इंप्लाइज ए प्लस 10 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना मिला है 7, सो 7 इज इक्वल टू 38। सो दिस इंप्लाइज ए प्लस 7 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 इज इक्वल टू 38। सो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 38 माइनस 70, और 38 माइनस 70 करेंगे ये आ जाएगा आपका माइनस 32। अभी हम लोगों को निकालना क्या है, देखिए हम लोगों को यहां पर निकालना है 31st टर्म ऑफ द एपी। सो देयरफॉर 31st टर्म और 31st टर्म का फॉर्म क्या होता है, 31st टर्म का फॉर्म होता है आपका ए प्लस 30D। दिस इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना मिला है देखिए माइनस 32, तो हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुट करेंगे। सो माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना मिला है 7, तो 30 इंटू 7, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 210। अभी यहां पर टिके 210 माइनस 32, 210 माइनस 32 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 178। तो फाइनली यहां पर 31st टर्म का वैल्यू आ गया 178, और ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो इस मेल एड्रेस में आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।